पीलीभीत पुलिस ने एक साल पहले वन चौकी में हुई वन वाचर की हत्या का खुलासा कर दिया है। वाचर की हत्या खुद चार वन कर्मियों ने अवैध पैसे के बंटवारे को लेकर की थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए तीन वन वाचरों को गिरफ्तार भी किया है। वही वन रक्षक फरार बताया जा रहा है। पीलीभीत की हरिपुर रेंज की वन चौकी ढका चाट में पिछले वर्ष वाचर संदीप का शव गोली लगा हुआ मिला था और शव के पास में ही राइफल पड़ी थी, जिसे प्रतीत हो रहा था कि संदीप ने आत्महत्या की है, लेकिन पोस्टमार्टम के जरिए यह सामने आया कि संदीप ने आत्महत्या नहीं करी है। जिसके बाद संदीप के भाई ने वन रक्षक वसीम अली व तीन वन वाचरों सियाराम नेतराम और त्रिभुवन के खिलाफ कोतवाली पूरनपुर में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो सामने आया कि चारों आरोपियों ने पैसे के बंटवारे को लेकर संदीप की हत्या की थी। देखिए इस रिपोर्ट को। इसका नाम संदीप सिंह चौहान है, ठीक है। ये महादेव माटी का रहने वाला है और ढक्का चौकी पे जंगलात की तरफ से कार्यरत है, ठीक है सर। तो इसको इसका जो मर्डर हुआ है रात के 10:30 बजे, जो कि ग्राम के लोग बता रहे, ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर फैर की आवाज रात के 10:30 बजे आई है, क्योंकि स्टाफ के पास सभी लोगों का मेरे पास मतलब हमारे घर का नंबर भी था और इन लोगों ने उस नंबर पर किसी को भी जानकारी देने की मतलब कोशिश नहीं की। और आने पर इन लोगों ने हम लोगों को जानकारी दी है कि मतलब आत्महत्या की गई है, जबकि अगर ऐसा होता तो ये तुरंत जानकारी इसकी दे सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। राइफल के बारे में जो कि बता रहे हैं, जिस राइफल से कत्ल किया है मतलब सुसाइड किया है, वो राइफल पैरों के पास पड़ी थी जबकि भेजा पूरा फट चुका था। तो इससे मुझे लगता है कि ये पूर्णतया मर्डर है। अच्छा, आपको जानकारी कब मिली? हमें 1:30 बजे आज जानकारी दोपहर में मिली है, जबकि ये केस रात 10:30 बजे का है। संदिग्ध परिस्थिति में वाचर की मौत हो गई थी, पुलिस ने तफ्तीश की, किस तरह के तथ्य सामने आए और क्या निकल के आया? इसमें ये पिछले साल एक ये घटना हुई थी जिसमें एक वाचर की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी और इसमें चार अन्य व्यक्ति जो है वो नामजद थे और विवेचना से इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई। इसमें तीन लोग को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। मोटिव सर क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य अभी तक की विवेचना से प्रकाश में आया है कि इनमें कुछ पैसों का अवैध बंटवारे को लेकर इनमें कुछ विवाद हुआ था और उसके कारण जो है इनमें कुछ कहासुनी हुई और एक घटना हुई। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।